दोस्तों आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। आजादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। हालांकि देश को आजाद कराने के लिए लड़ने वालों में दो विचारधाराओं के लोग थे, एक तो वो जो अपनी ताकत के दम पर आजादी हासिल करना चाहते थे, तो दूसरे वही लोग जो शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इन्हीं अहिंसावादी लोगों में शामिल थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश हित के लिए अपना सारा जीवन लड़ाई करते हुए बिताया, एंड उन्हीं के जैसे हजारों वीरों की वजह से आज हम आजाद देश में सांस ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी अनकही कहानियां बताएंगे जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते थे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मेरे को होस्ट कुणाल कैलासी के साथ छतरपुर के गांधी आश्रम में और जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ अनकही बातें। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम छतरपुर के गांधी आश्रम में, अब हम चलते हैं अंदर की ओर। पग था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। बंदे में था दम, बंदे मातरम, बंदे में था दम, बंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये शहर के बीचों बीच स्थित है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि छत्रसाल चौराहे के पास में है। और छत्रसाल चौराहा हमारे छतरपुर का सबसे बड़ा चौराहा है, और उस सेंटर ऑफ द सिटी में होने के बावजूद भी इस गांधी आश्रम में जब आप मेन गेट से घुसते हो तो यहाँ की सारी दुनिया अलग सी हो जाती है। यहाँ पे घने आपको पेड़ दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक साफ सुथरा मैदान। चलिए यहाँ अंदर आने के बाद अब हम चलते हैं अंदर इस भवन की ओर और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इसका इतिहास बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी महत्वपूर्णता इसलिए है, ये भवन ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दरमियान, ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री अर्थात उस वक्त जिनके हाथ में छतरपुर शहर की बागडोर सौंपी गई थी, जिनके देखरेख में यहाँ का शासन चल रहा था, उनका ये दीवान घर था। उनके इस दीवान घर को स्वतंत्रता के बाद सरकार ने गांधी आश्रम संगठन को सौंप दिया गया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप गांधीवाद को और गांधी जी की जो विचारधारा है उसको आप प्रमोट कीजिए और लोगों तक फैलाइए। इतने इतिहास के बाद मैं इस भवन की आपको और खासियत बताना चाहूँगा कि क्यों ये एक विशेष स्थान रखता है इतिहास में। जब सन 1955 से 1961 के दरमियान विनोदा भावे जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों के बीच में भूमि का एक समान रूप से पुनर्वितरण किया जा रहा था, उस वक्त इसी भवन के जो सदस्य थे, तत्कालीन सदस्य थे, उन्होंने छतरपुर और इससे जुड़े 6 आसपास के जिलों में यहाँ के जो बड़े भूस्वामी थे उनके विरुद्ध आंदोलन किया था। और उस वक्त ये सबसे पहले थे जो इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में खड़े हुए थे इस आंदोलन के लिए, गरीबों की मदद के लिए, उनको दोबारा से जमीन देने के लिए। इतनी कहानी के बाद हम बढ़ते हैं और इसकी बड़ी कहानी की तरफ कि क्यों आखिर ये भवन जो है वो बहुत ज़्यादा और लोगों के पब्लिकली फेमस है, उसकी एक और सबसे बड़ी कहानी है कि सन 1960 से 1970 के दशक के दरमियान हमारे जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इसी भवन में आकर हमारा एक बहुत बड़ी सभा की गई थी, जिस वक्त मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का जो ये क्षेत्र था वो चंबल के डाकुओं के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था। तो उस वक्त उनके अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए, उनके द्वारा हथियार का समर्पण करवाने के लिए, ये जो लाइब्रेरी आप देख पा रहे हो, इसी लाइब्रेरी में एक सभा की गई थी उनके द्वारा, और इस सभा में उन्होंने उनको बुलाकर उनका समर्पण करवाया था। चलते हैं हम इस लाइब्रेरी की ओर, अब हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस लाइब्रेरी में लगभग 4000 हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण में किताबें हैं जो कि गांधी जी की विचारधारा से संबंधित हैं, हमारे पुराने भारत की जानकारी देते हैं और उसके अलावा और भी कई पुरातात्विक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। मुसीबत की बात यह है, बुरा इस बात पे लगता है कि जो 4000 किताबें थी यहाँ पे, हमारे यूथ आजकल किताबों की तरफ उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से लगभग 400 से 500 किताबें दीमकों के कारण खराब हो चुकी हैं और यहाँ बुरी हालत में, जर्जर हालत में डली हुई है।
इतिहास को जानने के बाद हम जानते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ के बारे में जो इस गांधी आश्रम में की जाती हैं, गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और उनके द्वारा जो बातें की गई थी उसको बढ़ाने के लिए। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की। गांधी जी सबसे ज़्यादा फोर्स देते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उसके लिए यहाँ पे उनकी विचारधारा को चलाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कई सारे मेथड जो होते हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि पीछे 34 एकड़ में फैला हुआ जो गांधी आश्रम के खेत है, ये घने जंगलों से भरे हुए हैं और इस पूरे 34 एकड़ में खेती की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड यूज़ करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं हमारे नाडेप का मेथड, मटका खाद का मेथड, बायोगैस यूनिट इनने लगाई हुई है, इसके अलावा ये काऊ डंग वगैरह का यूटिलाइज़ करके और भी कई खाद बनाते हैं। ये थी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक्टिविटीज़। इसके अलावा यहाँ पे होती है गांधीयन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जिसके द्वारा आप देख सकते हो कि ये जो स्टेज है इस स्टेज में समर कैंप लगाते हैं, जिसमें कि जो हमारे यूथ्स हैं, जो बच्चे हैं, वो गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल बंद होते हैं तो यहाँ आके वो क्लासिकल म्यूज़िक, डांस, कुकिंग स्टाइल, क्ले डिज़ाइनिंग, इसके अलावा बहुत सारी जो भी उनकी क्रिएटिव माइंड यूज़ हो जिसमें, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इतना ही नहीं, इसके अलावा ये कैटल ऑर्फनेज भी प्रोवाइड करवाता है हमारा गांधी आश्रम। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं कि जो ये पशु वाहन है, यही इसी पशु वाहन से गायों को लाया जाता है और यहाँ पे अलग से जो उनका एक ऑर्फनेज बना हुआ है उनको रखा जाता है, ताकि उनको पानी पीने की दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो। तो अब इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, बताऊँगा कि कहाँ पे, किस रूम में आज की जो मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे आज के सदस्य बैठ के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कैसे गांधीवाद को आगे बढ़ाते हैं। ये है वो कमरा जहाँ पे आज के सदस्य हमारे बैठते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते हैं। यह पुराना भवन भी था, पुराना सभागार भी था, केवल एक सभा को छोड़कर जहां पर हमारे श्री नारायण जी ने मीटिंग की थी और वहां पे समर्पण करवाया था, उसके अलावा सारी मीटिंग इसी कमरे में होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं उस टाइम जो गांधी जी की महत्वपूर्ण गतिविधियां थी, कैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, कौन कौन से संबंधित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, ये सारी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं जो पुरानी यादों को ताजा कर देती हैं। तो आज गांधी जी के शुभ जयंती अवसर पर हमने किया गांधी आश्रम छतरपुर का दर्शन, जिसमें हमने जाना उनकी गतिविधियाँ, उनकी क्रियाएँ और उनकी विचारधारा को। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी गांधी जी की विचारधारा थी उसको आज का यूथ फॉलो करता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा और कोशिश करता रहेगा अपने आप को शांत रख के और भारत का जो पुराना कल्चर है उसको आगे बढ़ाता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स के साथ महात्मा गांधी को एक ट्रिब्यूट दें। हाँ मैं गांधी हूँ, हाँ मैं गांधी हूँ, हाँ मैं गांधी हूँ, हाँ मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, यस आई एम गांधी, हाँ मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं गांधी, मैं भी गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं गांधी, मैं गांधी, मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ, गांधी हूँ, हाँ मैं गांधी हूँ, मैं गांधी हूँ। और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान के।